नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आपको पता है, सफीदों के सानपुर गांव में हकीकत नाम के व्यक्ति ने अपने सगे भाई की हत्या की थी। दो और लोगों के साथ मिलकर उसने हत्या की थी। उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ा था। अजीत सिंह शेखावत, एसएसपी अजीत सिंह शेखावत ने उनको सलाखों के पीछे भेजा था। अब वो रिमांड पर है। 2019 में सानपुर गांव में कुलदीप सिंह की हत्या हुई थी, लेकिन तब आरोप लगे थे हकीकत पर, लेकिन तब वो सबूतों के बिना पर निकल गया था पुलिस की पकड़ से। लेकिन अब रिमांड पर जब उसको लिया गया तो उसने गुनाह कबूला है। कहा है कि कुलदीप के नाम उसने काफ़ी सारी गाड़ियां, कंबाइन, ट्रैक्टर, स्कूटी, बुलेट लिया था। उसका लोन माफ़ कराने के लिए उसने हत्या की साजिश रची थी और अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। पूरा मामला आखिर है क्या? ताहिर हुसैन डीएसपी नरवाना सफीदों हैं, उन्होंने इस मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या उनका कहना था, आइए आप खुद सुनिए। थाना सदर जींद का है, एक FIR नंबर 282 2019 में जो दर्ज हुई थी। सफीदों का है सदर सफीदों का। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो एक सूरज वाहन है उसने आरोप लगाया था कि भाई मेरे लड़के की हत्या करके उसको डाल दिया है। उस संबंध में मुकदमा दर्ज हो गया था 282 सफीदों थाने के अंदर, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन में जो पोस्टमार्टम वगैरह है उसके बाद लेकर और इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो उस टाइम जो 302 थी वो धारा तर्क हो गई थी एविडेंस की वजह से, कि जो उस टाइम नहीं आ पा रही थी, और 406 420 वगैरह जिसके अंदर वो गाड़ी का लेन देन वगैरह था वो था। उसके बाद क्या कि वो मुलजिम तो जिनका नाम था हकीकत राय, उनको एक दूसरे मुकदमे में अरेस्ट किया था। उसके अंदर फिर अरेस्ट करने के बाद जो है फर्द इंसाफ में हमें पता चला कि जो 282 नंबर मुकदमा है जिसके अंदर मृतक कुलदीप है, उसको उसने अपने साथियों के साथ मारकर वहाँ रोड के ऊपर डाला था। अब ये जो है कॉन्फेशन में ये बात आई थी, उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन अब की गई है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, हकीकत राय को जो इसमें था, और उसके साथी जो अक्यूज्ड हैं उनका भी नाम आया है, जिसमें जो है 4 अक्यूज उसके साथी और हैं और वही के गांव के रहने वाले हैं। अभी वो पुलिस रिमांड पर है, तो बाकी अब इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो सर पे लिया पहले इसको हमने 5 दिन के लिया था, जिसमें 406 नंबर मुकदमा 406 IPC में जब गिरफ्तार किया था, लेकिन जब ये बात आई तो हमने इसको फिर 302 ईजाद करके दोबारा से इसका रिमांड लिया गया, जो 3 दिन का मिला है। इसमें क्या बरामद होगा सर? 3 दिन 3 दिन में हमने अभी जो 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 गाड़ी यूज़ की थी स्कॉर्पियो थी, वो हमने इसे रिकॉर्ड कर ली है, निशानदेही कराई है, और अन्य साथियों का वो जो आगे इन्वेस्टिगेशन है वो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं इसका। कितने मामले सर इस आरोपी पे जो इस पर जो पहले भी इस पर 2 केसेज हैं, 2 या 3 केसेज इस तरह। तो ये जो उसमें नहीं आई थी, जब ये 406 में जो ऑलरेडी इसके फादर ने ये मुकदमा दर्ज करा कर उसमें इसको राम प्रोडक्शन वार्ड पर लाए थे इसके अंदर, उसके बाद लाए। वो उस टाइम ओपिनियन जो उसके पोस्टमार्टम की ओपिनियन थी उसमें वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि पोस्टमार्टम की ओपिनियन में भी ये लिखा हुआ था नेगेटिव ऑटोप्सी, तो जो ओपिनियन ली गई इस मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने वाला डॉक्टर वो भी मिला हुआ था आरोपी के साथ। नहीं, वो अभी इशू है उसकी, दोबारा से हम पैथोलॉजी वगैरह में भेजेंगे दोबारा से जी। लेकिन अब जब उसको तो मुकदमे में दूसरे जो 406 में जब गिरफ्तार किया, तब ये दौरान उस इंटरोगेशन ये बात आई कि हाँ इसका मर्डर हुआ, तो अब उसकी जो जहाँ भी हैं उसमें दोबारा से इसमें ओपिनियन ली जाएंगी, दोबारा से इसकी रिपोर्ट ली जाएगी। लगता नहीं सर पुलिस ने उस समय नेग्लिजेंस बरती है इस मामले में, जब पिता उसका आरोप लगा रहा था कि मेरा बेटा मारा है, भी हुआ था उस तो एजिटेशन नहीं था। उस टाइम वैसी जो है ना हत्या के एविडेंस, उस टाइम ये भी इसके बीच में आरोप थे कि इसके जो नाम थी गाड़ियाँ कुलदीप की, उन कुल मृतक की, वो गाड़ियाँ पर इसने कब्जा कर रखा था, मतलब इसने अपने उसमें कब्जे में ले रखी थी और नाम उसके थी, तो साथ इशू वो भी चल रहा था गाड़ियों का।
तो उस टाइम ये पूरे तथ्य नहीं आए थे कि भी इसमें मर्डर का एंगल के वजह से, तो इस टाइम वो धारा तर्क की गई थी। लेकिन अब जब वो इंटरोगेशन हुई है उसकी उसमें दूसरे मुकदमे में, तब ये बातें आई है खुल के। अब इसमें जो है इससे संबंधित एविडेंस और जो इसने इस यूज़ किया गाड़ी वो भी इसमें हमने रिकवर कर लिया, जिसको डेड बॉडी ले जाने लें। तो सर 302 दोबारा इसमें आएगी? हाँ 302 है, हमने इसमें दोबारा ऐड कर दी है। 420 वगैरह और SC ST Act ये सेक्शंस इसमें लगाए गए।